वो एक। लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायणा और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, कर्मा, रामायणा, महाभारता, धर्मा, इनको भी पढ़ाया जाएगा। और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मजाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहाँ पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मजाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमिनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी एनकरेज्ड। और हमें जितना इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ हार्मनी अपने बच्चों को सिखाएंगे उतना ही ज्यादा हम जो है वो हमारे बच्चे तरक्की कर सकेंगे। जो अहम चीज है वो ये है कि अगर जो जो इंडियन वैल्यूज हैं, इंडियन जो हिंदू मजहब है, अगर उसको जो है वो सऊदी लिटरेचर में या सऊदी टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया जा रहा है तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और हमें भी पाकिस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए कि हमें जो दूसरे मजाहब हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो चीजें हैं उसको अपने मजहब में लेके आना चाहिए, सॉरी अपने लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक में लेके आना चाहिए, ताकि हम लोगों को और अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमने लेट से मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, यहूदी क्या है, हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस इस बच्चों को करा सकें। ये हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं हमें सिर्फ मुसलमान है, हमने हिंदू के बारे नहीं पढ़ना, ईसाई के बारे नहीं पढ़ना, यहूदी के बारे नहीं पढ़ना, कहीं हम हिंदू ना हो जाएं, कहीं सिख ना हो जाएं, कहीं ईसाई ना हो जाएं। देखिए, इस कोई मजहब भी जो है वो अपनी बड़ी स्ट्रांग वैल्यूज पे खड़ा होता है, उसके कल्चर, उसकी एथोस, उसकी बेस बड़ी स्ट्रांग होती है। और अगर किसी मजहब को लोग करोड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट मीन्स इट हैज अ वैल्यू और वी शुड रिस्पेक्ट दी अदर्स। हम अपने मजहब के साथ हैं लेकिन हमें दूसरे मजहब की इज्जत करनी चाहिए और उनको वही मुकाम देना चाहिए। और हर हमारा कुरान भी ये कहता है कि किसी को खुदा को बुरा ना कहो, किसी की होली टेक्स्ट को गलत बात ना करो, और हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये हमारे जो उलमा हैं, जो क्लर्जी है, जो रिलीजियस क्लास है, उसने ये जो है वो बात की। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी डिबेट्स हैं जो हमें पढ़नी जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें जो सऊदी अरब जो वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में क्या कर रहा है कि वो जो हेटफुल प्रैक्टिसेस हैं, जो रेफरेंसेस हैं क्रिश्चियन के बारे में, ज्यूज के बारे में, उनको निकाल रहा है और वो ये बता रहा है ये एलजीबीटी क्या होते हैं। अब नॉर्मली पाकिस्तान के किसी बच्चे को पूछ लें एलजीबीटी पीपल कौन होते हैं तो उनको नहीं पता होगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं श्रीलंका और हम कहते हैं जी कि आप हमारे पास आए हैं, वहां पे जो है वो आप मॉन्क्स को भेजें, हम रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम किस तरह की रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करेंगे कि जब दूसरों को हम काफर कह रहे हैं, उनको हम ये कह रहे हैं इनको मार देना चाहिए, ये जो इस्लाम के दरवाजे पे नहीं है तो उसको खत्म कर दें, तो ये किस तरह का माहौल हम दे रहे हैं। एक तरफ हम उनको अपने मुल्क में बुलाते हैं टूरिज्म के लिए, दूसरी तरफ हम उनको जो है वो अपने बराबर नहीं समझते और हम समझते हैं कि ये लोग जो जो इस सिचुएशन में है ये हमारे बराबर नहीं है। सो सऊदी अरब ने तब्दीलियां लाई हैं,
दैट डजंट मीन कि हमें सऊदी अरब को देख के तब्दीली लानी चाहिए। सऊदी अरब के अपने मसाइल हैं, उनका तो जैसे मैंने बताया कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मसला है कि उनको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए, और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी में ये होता है कि कोई अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वो उनको, जो ग्लोबल पावर्स हैं वो उनको, उनके रिजीम को एक्सेप्ट करें। जब ग्लोबल पावर्स उनके रिजीम को एक्सेप्ट करेंगे तो वो अपनी मर्जी से वहां रूल कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये अपना सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है, ये टेक्स्ट बुक बदलने की कोशिश की है। सो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप सऊदी अरब में देख रहे हैं, और अमेरिका का इसमें बड़ा रोल है। और ये कहा जाता है कि अगर सऊदी अरब में हेट स्पीच जैसी चीजें जो टेक्स्ट बुक से खत्म हो रही हैं, तो लेट्स नॉट इग्नोर के अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो है। वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस ये नहीं है कि अमेरिका ने उनको कहा तो जरूर होगा, लेकिन अमेरिका तो बहुत पुराना उनको कह रहा था, लेकिन अभी मोहम्मद बिन सलमान को जरूरत पड़ गई है कि अगर ये मैं कर दूंगा तो मुझे जो है वो वेलकम किया जाएगा।